Hello students, we have already learned about the functions in Excel. Today we are going to know the mathematical या फिर trigger function in Excel. तो सबसे पहले क्या आता है उसमें सम आता है. सम का मतलब ऐड करना होता है, मतलब जो भी नंबर्स हैं किसी सीरीज में है सेल में है हमें उनको क्या करना है ऐड करना है. अब वो फंक्शन क्या है, हमें लिखना है इक्वल सम ब्रैकेट, या तो हम नंबर लिख सकते हैं या फिर हम यहाँ पे सेल एड्रेस लिख सकते हैं, या फिर जैसे इसने दिया है A1:A7. A1:A7 का मतलब है कि A1 से लेके A7 तक जितने नंबर्स हैं सबका क्या करना है सम करना है. तो तीन तरीके हो गए, या तो इक्वल सम लिख के आप नंबर्स दो 8:16:5 तो तीनों को ऐड करके वो आउटपुट दे देगा, या फिर आप सेल का एड्रेस दे दो C1D2E8 करके तो वो जो E8 तक का जो भी इन तीन में नंबर्स होंगे उन तीनों को ऐड करके दिखा देगा. अदरवाइज आप उसको रेंज दे दो सम A1:A7 तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक के सारे नंबर्स को ऐड करेगा और आपको आंसर दे देगा जैसे कि उसने यहाँ पे दिया है. नेक्स्ट आता है हमारा प्रोडक्ट. प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई होता है. इसको कैसे लिखते हैं, जब हमें प्रोडक्ट करना होता है तो हम लिखेंगे इक्वल प्रोडक्ट, फिर वही नंबर्स लिखेंगे या तो, या फिर सेल एड्रेस देंगे, या फिर कॉलन लगा के लिख देंगे कि बी, जैसे कि B4:B8 है तो इन जो एड्रेस एंड सेल एड्रेस है इनके बीच में जितने सेल्स आते हैं सबको मल्टीप्लाई करके वो क्या दे देगा आंसर. जैसे यहाँ पे इसने क्या दिया सेल एड्रेस दिया तो इन सेल एड्रेस पे जो जो नंबर होंगे उन सब का आंसर दे देगा. यहाँ पे क्या दिया न्यूमेरिकल नंबर्स दिए तो न्यूमेरिकल एड्रेस का जो भी मल्टीप्लिकेशन है वो यहाँ पर आ गया. तो क्या प्रोसीजर है, इक्वल प्रोडक्ट ब्रैकेट और इन तीनों में से जिस तरीके से आप करना चाहते हो आप उन तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हो. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या होता है, जिस नंबर को हम किसी मतलब जब हम एक नंबर को दूसरे से डिवाइड करते हैं तो कितनी बार में डिवाइड होता है. मान लो हमें 13 को 3 से डिवाइड करना है तो 13 3 4 12, ठीक है, बचा क्या 1, रिमाइंडर हमें नहीं चाहिए. इसमें क्वेश्चन क्या हो गया 4, क्योंकि 13 को हमने 4 टाइम्स डिवाइड किया 3 से. ठीक, तो इसका क्या है इक्वल क्वेश्चन न्यूमरेटर कॉमा डिनोमिनेटर, मतलब जिसको क्या करना है डिवाइड करना है और जिससे डिवाइड करना है वो आ जाती है. न्यूमरेटर नंबर जिसको हमें डिवाइड करना है, डिनोमिनेटर जिससे डिवाइड करें. तो क्वेश्चन है 35:8, मतलब अब हमें क्या करें 8 4 32, तो 4 आ गया आंसर. इसी तरह क्वेश्चन D1 ये रहा और C3 ये रहा, C5 की वैल्यू ये रही, तो इसका जो आंसर आया वो यहाँ पे आ गया 4 3 4 12, रिमाइंडर हमने बोले ही थे. नेक्स्ट आता है पावर. पावर क्या होती है, मैंने कुछ टाइम पहले बताई थी किसी चीज़ को उतनी ही बार मल्टीप्लाई करने को पावर कहते हैं. ठीक है, तो इसमें क्या होता है पावर नंबर जिसका नंबर जिस नंबर का हमें पावर करना है कॉमा पावर जितनी बार उसे हमें मल्टीप्लाई करना है. जैसे कि नंबर क्या होता है, वो नंबर जिसको जो हमने सेल में एंटर किया है पावर हमें जितनी बार उसको मल्टीप्लाई करनी है. ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है इनपुट इक्वल टू पावर 3:2, मतलब 3 की पावर 2, मतलब 3 मल्टीप्लाई 3, तो आंसर क्या आया 9. ठीक है, पावर 5:C1, C1 मतलब C1 साल में जो भी वैल्यू होगी, C1 साल में वैल्यू कितना है 3. ठीक है, तो 5:3, तो 5 5 25 25 5 125, आंसर क्या आया 125. दीज आर सम मैथमेटिकल क्वेश्चंस या मैथमेटिकल फंक्शन जो कि एक्सेल में यूज़ होते हैं. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ आस्क मी. थैंक यू.